19 साल की अभिनेत्री और महज 3 साल का करियर। इन 3 साल में 20 से ज़्यादा फिल्में, साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी धाक जमाने वाली अभिनेत्री की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और इस मौत की गुत्थी आज तक नहीं सुलझी है, जबकि उनकी मौत को करीब 3 से ज़्यादा दशक हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूँ दीपांशा कसौधन, स्वागत है आपका सत्योदय मीडिया में। बहुत से लोग जान चुके होंगे कि मैं यहाँ पर किसकी बात कर रही हूँ, हालांकि हमारे कुछ दर्शक ऐसे भी होंगे जिन्हें अभी तक ये नहीं मालूम होगा कि यहाँ पर मैं कौन सी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की बात कर रही हूँ। चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं यहाँ पर किस अभिनेत्री की बात कर रही हूँ जिसने महज 3 साल के करियर में साउथ से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक अपनी धाक जमाई है। अपनी मासूमियत और खूबसूरत से चेहरे पर आज भी, यानी मौत के 3 दशक बाद भी, लोगों के दिलों पर राज करती हैं। उनकी फिल्में आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। यहाँ मैं बात कर रही हूँ अभिनेत्री दिव्या भारती की। दिव्या भारती 90 के दशक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों की लिस्ट में आती हैं। उन्होंने महज 3 साल के करियर में ही एक अच्छी अभिनेत्री का खिताब तक नाम अपने नाम कर लिया था। वो बात अलग है कि उन्हें अवार्ड्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन 3 साल के करियर में अपनी एक अच्छी फैन फॉलोइंग हासिल कर पाना और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर की पसंदीदा अभिनेत्री बनना कि हर किसी की बस की बात नहीं है। उस वक्त की बात जब माधुरी दीक्षित, जूही चावला, करिश्मा कपूर, श्रीदेवी जैसी अभिनेत्रियां पहले से ही इंडस्ट्री पर राज कर रही थी। चलिए, अब बात करते हैं अब दिव्या भारती के उस आखिरी दिन यानी 5 अप्रैल 1993 की बात। 1993 की रात की बात है, शाम की बात है। अभिनेत्री काफ़ी ज़्यादा खुश थी, इतनी खुश कि वो अपनी खुशी अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। इसका कारण ये था कि उन्होंने मुंबई जैसे महंगे शहर में अपने सपने का आशियाना खरीद लिया था। जी हाँ, उन्होंने इसकी डील कर ली थी। अभिनेत्री इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो अपने भाई के साथ इस खुशखबरी को शेयर करी, उन्होंने बधाई दी। इसके बाद उसी दिन यानी शाम के वक्त दिव्या भारती की सहेली और उनकी साथी नीता लुल्ला का फ़ोन आता है, क्योंकि नीता लुल्ला और दिव्या भारती किसी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। उनका एक प्रोजेक्ट था, वो एक मूवी की शूटिंग कर रही थी जिसकी ड्रेस डिज़ाइनर नीता लुल्ला थी। इससे पहले भी नीता लुल्ला कई बार दिव्या भारती के साथ उनके प्रोजेक्ट में काम कर चुकी हैं और इनके बीच काम के दौरान ही काफ़ी अच्छा याराना भी हो चुका था। यही कारण है कि उनके घर आना जाना भी था। जब नीता लुल्ला दिव्या भारती के पास फ़ोन करती हैं और उन्हें मिलने के लिए बुलाती हैं, इसके बाद नीता लुल्ला अपने पति के साथ दिव्या भारती के मुंबई स्थित वर्सोवा अपार्टमेंट में पहुँचती हैं। तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पर दिव्या भारती का घर था, जहां पर ये तीनों पहुंचते हैं। अपार्टमेंट में पहले से ही दिव्या भारती की मेड वहां पर मौजूद थी, जो घर की देखभाल करती थी और उनके लिए खाना भी बनाती थी। दिव्या भारती और तीनों जब वहां पर पहुंचे तो आपस में एक दूसरे से बात करने लगे, फिल्म को लेकर, अपनी बिजनेस को लेकर, अपनी डील को लेकर बात कर रहे थे। ऐसा रिपोर्ट में जो बताया गया है उसके अनुसार मैं कह रही हूँ कि बात कर रहे थे, टीवी चल रही थी, दो तीनों बैठकर शराब पी रहे थे और उसके साथ स्नैक्स का भी आनंद ले रहे थे। इसी बीच अभिनेत्री दिव्या भारती अपने वॉशरूम में भी जाती हैं, यूज़ करती हैं, किचन में भी मेहमानों के लिए स्नैक्स और ड्रिंक वगैरह के लिए भी कई बार जाती हैं। और जो मेहमान थे नीता लुल्ला और उनके पति, वो भी कई बार वॉशरूम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद अभिनेत्री दिव्या भारती उसी दिन करीब 10:45 या 11 बजे के बीच अपने किचन के पास जाती हैं। किचन के पास ही एक खिड़की होती है,
जिस जहाँ पर अभिनेत्री जाती है वहाँ पर एक खिड़की होती है और खिड़की का जो बाउंड्री होती है वो करीब 12 इंच की है। अभिनेत्री 12 इंच की दीवार के बीच एक शीशे का वो लगा होता है दरवाज़ा टाइप में, वो उसको खोलती हैं और उस पर खिड़की पर बैठने की कोशिश करती हैं जिसकी चौड़ाई करीब 12 इंच की है। नॉर्मली घरों में 9 इंच की दीवार होती है लेकिन उनका जो था वो 12 इंच का था। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अभिनेत्री उस खिड़की को खोल रही थी और उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो वो गिर जाती है। ऐसा रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि जब अभिनेत्री खिड़की की तरफ बैठने की कोशिश करती हैं तो उनका मुंह खिड़की के मतलब अंदर कमरे के अंदरी तरफ होता है, जैसे मैं अभी आपके सामने हूँ और ये पीछे साइड, ये हिस्सा बाहर खिड़की की तरफ था और ये आगे की तरफ। तो अभिनेत्री जब गिरती हैं तो सीधे ज़मीन पर गिर जाती हैं और पीठ के भर गिरती हैं, तो इससे उनके सिर पे, पीठ पे बहुत ज़्यादा तेज़ चोटें आती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ चोट। आप समझ सकते हैं कि जब कोई 5वीं मंजिल से पीठ के भर गिरे तो उसके बैक पे और सिर पे कितनी गहरी चोट आई होगी, इसका आप अंदाज़ा लगा। जब ये वाक्या जब हुआ तो इसके बीच यानी कि अभिनेत्री अपने ड्राइंग रूम से किचन वाली खिड़की के पास आती हैं, ये सब महज 3 मिनट की अंतराल में हुआ था, महज 3 मिनट के अंतराल में। जब अभिनेत्री गिरी और उनकी मेड अचानक से हैरान होकर चिल्लाई तो ड्राइंग रूम में बैठे उनके दोस्त नीता लुल्ला और उनके पति वहाँ पर पहुँचे, देखकर वो हैरान हो गए। आनन फानन में वो फ्लैट की 5वीं मंजिल से ग्राउंड फ्लोर तक आए और उन्हें अस्पताल एम्बुलेंस बुलाया गया और अभिनेत्री को अस्पताल ले जाया गया। जब वो उनको उठाकर एम्बुलेंस में बैठा कर अस्पताल ले जाया जा रहा था उस वक्त उनकी सांसें चल रही थी, इसका मतलब वो जिंदा थी। जब वो अस्पताल पहुंची, अस्पताल के गेट तक पहुंचने तक या फिर डॉक्टरों के पास पहुंचने तक उनकी सांसें थम गई थी। अभिनेत्री का निधन हो चुका था। 5 अप्रैल 1993 की रात अभिनेत्री ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अभिनेत्री के अपार्टमेंट के जस्ट नीचे यानी 5वीं मंजिल की खिड़की के जस्ट नीचे पार्किंग एरिया था। उस दिन उस रात पार्किंग एरिया में कोई भी गाड़ी नहीं खड़ी थी, अमूमन मतलब ढेर सारी गाड़ियां खड़ी रहती थी लेकिन उस रात ही एक भी गाड़ी नहीं थी। अभिनेत्री सीधे ज़मीन पर गिरी। अब यहाँ पर यह भी एक बड़ा सवाल है कि हर रात हर रोज़ वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती थी और उसी दिन उसी वक्त कोई गाड़ी क्यों नहीं खड़ी होती, ये एक साजिश थी या इत्तेफाक था, ये आज भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि अभिनेत्री का तो निधन हो चुका था, उसके बाद जब मीडिया में ऐसी खबरें आईं, फिल्म इंडस्ट्री को पता चला, उनके माँ को पता चला, उनके भाई को पता चला, उनके पति यानी फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिल्म मेकर साजिद नाडियाडवाला को पता चला तो वो भी हैरान हो गए थे। अभिनेत्री की मौत को लेकर कई तरह के सवाल उनके फैंस, परिवार, दोस्तों और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के दिलों में थे। अभिनेत्री की मौत कैसे हुई ये सब जानना चाह रहे थे। हालांकि अभिनेत्री के निधन के बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया, पोस्टमार्टम किया गया तो कई सारी चीज़ें बाहर आईं। पोस्टमार्टम में डॉक्टर्स ने बताया कि उनका निधन बैलेंस बिगड़ने की वजह से हुआ। अभिनेत्री खिड़की पर बैठने की कोशिश कर रही थी और उस दौरान उन्होंने शराब पी रखी थी। शराब पीने की वजह से और खिड़की खुली होने की वजह से उनका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गई और उनका निधन हो गया। यहाँ पर एक और बात गौर करने वाली है कि जिस खिड़की से दिव्या भारती गिरी उस खिड़की में एक भी लोहे की ग्रिल नहीं लगी हुई थी, जबकि उस अपार्टमेंट की
ज़्यादातर खिड़कियों में लोहे के ग्रिल लगे हुए थे। और अपने आप में ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये क्यों नहीं लगा है, जबकि अमूमन हर घर में, छोटे से बड़े, किसी भी गांव के, शहर के किसी भी घर में खिड़की में लोहे का ग्रिल ज़रूर लगा होता है, लेकिन उनके में नहीं लगा हुआ था। ये भी अपने आप में जांच का और एक बड़ा सवाल है अभिनेत्री की मौत से जुड़ा। अभिनेत्री की मौत के बाद पुलिस हर एंगल से जांच करती है, सुसाइड के एंगल से, एक्सीडेंट डेथ के एंगल से और साजिशन हत्या के एंगल से जांच करती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से भी जांच करती है, लेकिन इसमें कई तरह की कुछ भी जानकारी साफ तौर पर सामने नहीं आई है। कई लोगों का ऐसा कहना है कि अभिनेत्री अपनी पर्सनल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, हैरान थी। बता दें कि जब अभिनेत्री के जिस साल मौत हुई, यानी 1993 में, उसी साल कुछ महीने पहले उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से शादी की थी। साजिद नाडियाडवाला से शादी करने के बाद दिव्या भारती ने हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाया था। शादी के बाद उनका नाम सना नाडियाडवाला हो गया था। अब जिस वक्त दिव्या भारती ने साजिद नाडियाडवाला से शादी की थी, उस वक्त साजिद नाडियाडवाल पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन अपनी पहली पत्नी को छोड़कर उन्होंने उनसे शादी की थी। इसके बाद कहा जाने लगा कि अभिनेत्री की पर्सनल लाइफ ठीक नहीं थी, उनकी सास के साथ उनके अच्छे रिश्ते नहीं थे, उनकी सास उन्हें पसंद नहीं करती थी, इस तरह की चीज़ें बाहर आई, जिससे अभिनेत्री काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी। उन्हें लगा कि वो अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में खुश नहीं हैं। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है इसके बारे में साफ तौर पर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसी बीच एक और रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें दावे किए गए कि उनके पति यानी साजिद नाडियाडवाला का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, जिसकी वजह से वो परेशान रहने लगी। हालांकि अमूमन तौर पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन रहता है, तो साजिद नाडियाडवाला को लेकर भी इसी तरह की बातें सामने आ रही थी, लेकिन पुख्ता तौर पर, आधिकारिक तौर पर कुछ भी दर्ज नहीं है। ये सिर्फ उस दौरान जांच में रिपोर्ट्स सामने आई थी। तो ये रही एक इस एंगल से कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं थी और अपनी शादीशुदा लाइफ में वो जिस खुशी की वो कामना कर रही थी वो नहीं पूरा, ये एक कारण है। हालांकि आपको बताएं कि अभिनेत्री का एक सपना था मुंबई जैसे शहर में खुद का एक घर खरीदना, जो उन्होंने अपने निधन से एक दिन पहले पूरा कर लिया था। उन्होंने अपनी मौत से पहले एक घर की डील फाइनल कर ली थी। तो अभिनेत्री बहुत ज़्यादा खुश थी। जब वो खुश थी तो ऐसे में कोई सुसाइड करने के बारे में कैसे सोच सकता है, और अगर वो सुसाइड करना चाहती भी तो उन्होंने एक फ्लैट क्यों खरीदा, अपने सपनों का आशियाना क्यों खरीदा जो उनका कई सालों से सपना था। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने कमाए हुए पैसे से इस सपने को पूरा किया था। तो वो जब खुश थी तो सुसाइड करने के बारे में कोई कैसे सोच सकता है, या फिर कोई सुसाइड करने जा रहा है तो घर जैसी चीज़ों में या भौतिक सुख सुविधा इकट्ठा करने का क्या कारण था। कोई नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अब उसे दुनियादारी से जब कोई लेना ही नहीं है तो घर क्यों खरीदेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस तरह के कई सवाल थे जो आए और चले गए। फिर उसके बाद जो सामने आया कि साजिश के तहत उनकी हत्या करवाई गई, इसका भी कारण ये था कि दिव्या भारती उस वक्त की सबसे खूबसूरत और टॉप एक्ट्रेस थी, उनका करियर पीक पर था। और फिर खबर आई कि उनके हस्बैंड को ऐसा शक हुआ कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, या इसकी वजह से साजिश के तहत उनकी हत्या करवा दी गई। तो ये रही बात साजिश के तहत हत्या वाली, सुसाइड हो गया, साजिश के तहत हत्या हो गई। फिर इसके बाद जब पुलिस जांच करती है तो वर्सोवा पुलिस ने इसकी मुंबई स्थित वर्सोवा की पुलिस जो है इसकी जांच करती है, और पूरा जो वाक्या है वो फिर 5 साल बाद यानी
98 में बात सामने ये आई कि उनकी एक्सीडेंट के तहत हत्या हुई थी। मतलब अभिनेत्री का शराब पीकर खिड़की पे बैठना, उनका बैलेंस बिगड़ना और उसके बाद उनका गिरना, ये एक एक्सीडेंट था, ये बता दिया गया। हालांकि इसके बावजूद भी उनके फैंस और परिवार इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने सभी लोगों को क्लीन चिट दे दी थी। ऐसे में नीता लुल्ला के ऊपर और उनके पति पर कई तरह के आरोप लगे और आरोप लगने के बाद पुलिस ने उन सभी को क्लीन चिट दे दिया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी है कि जब अभिनेत्री दिव्या भारती की मौत होती है तो उसके महज एक महीने बाद ही उनकी मेड की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। ये इत्तेफाक है या साजिश, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभिनेत्री की मौत पर इस तरह के ऐसे कई सवाल आज भी हैं जिसका जवाब नहीं मिला है और उनके परिवार दोस्त ये जानना चाहते हैं। लेकिन इसके बारे में हालांकि अब आगे क्या होता है, हालांकि उनकी मौत को तो अब 3 दशक बीत ही चुके हैं, तो अब क्या ही आएगा, लोग भूल चुके हैं उनकी मौत। हालांकि उनकी मूवीज़ तो अभी भी लोगों को याद है। कई बार इंटरव्यू में उनकी माँ, दिव्या भारती की माँ ने खुद ये बात कही थी कि उनकी बेटी उनके सपने में आती है। उन्होंने ये बात चीत हुए खुद ही कहा था कि उनकी बेटी उनके सपने में आती है। और साजिद नाडियाडवाल की दूसरी पत्नी भी इस बात का जिक्र कर चुकी हैं कि वो भी उनके सपने में आया करती थी। और शादी के, हालांकि जब साजिद नाडियाडवाल की शादी हुई तो फिर उसके बाद वो 6 साल बाद नहीं आई। और एक और किस्सा है जो दिव्या भारती से जुड़ा है। दिव्या भारती की जब मौत हुई तो वो उस वक्त अपनी फिल्म लाडला की शूटिंग कर रही थी। उन्होंने लाडला फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग की थी जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। और उनकी मौत के बाद इस प्रोजेक्ट को श्रीदेवी को दे दिया गया था। श्रीदेवी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, लेकिन उसी दौरान जब शूट कर रही थी तो श्रीदेवी कुछ ऐसी हरकतें कर रही थी जिसे देखकर क्रू मेंबर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैरान थे और वो डर गए थे। श्रीदेवी वही गलती बार बार कर रही थी, उसी एक दो लाइन पर अटक रही थी जिस लाइन पर दिव्या भारती अटका करती थी। ये देखकर वहाँ पर लोग डर गए थे। हालांकि इसके बाद शूटिंग सेट पर ही पूजा पाठ करवाई गई, गायत्री मंत्र करवाया गया। गायत्री मंत्र और पूजा पाठ के बाद जब फिल्म की शूटिंग हुई तब श्रीदेवी उस एक्ट को काफ़ी अच्छे से की, फिल्म रिलीज़ हुई और ये सुपरहिट हुई। ये तो रही अभिनेत्री की मौत की बात। अगर हम बात करें उनके करियर की तो यहाँ दिव्या भारती का करियर फिल्म, साउथ फिल्म इंडस्ट्री से शुरू हुआ था। उन्होंने साउथ की फिल्म को से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। साउथ में 2-3 फिल्में करने के बाद उन्हें पहली फिल्म ऑफर हुई थी बॉलीवुड की। उनकी पहली फिल्म थी विश्व आत्मा। विश्व आत्मा फिल्म उतनी हिट तो साबित नहीं हुई थी, लेकिन इस फिल्म के ज़रिए उनके अभिनय को लोगों ने पसंद किया, अभिनेत्री को लोगों ने नोटिस किया, जिसके बाद दिव्या भारती को एक नहीं कई फिल्मों के ऑफ़र आने लगे। साल 1992 की बात है जब दिव्या भारती ने दीवाना, जान से प्यारा, दिल आशना, बलवान, दिल ही तो है, दुश्मन, जमाना, गीता जैसी फिल्मों में नज़र आई और वो बॉलीवुड की एक्ट्रेस बनी। दिव्या भारती अब तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अपनी फिल्मों के जरिए हमेशा अपने दर्शकों के दिलों में, अपने फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। ये तो रही दिव्या भारती की कहानी। अब हम अपनी अगली कहानी अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे जो एक नई हस्ती से जुड़ी होगी। तब तक के लिए नमस्कार।